हेलो दोस्त, कैसे हो आप? और आज लगने वाला है लेडीज़ फुटरेस्ट, और किस गाड़ी पे लगेगा आप वीडियो पे बने रहिए। ये है अपना पार्सल, आप देख सकते हो। फटाफट खोल लेते हैं इसको, और खोलने का मतलब ये है कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। छोटा सा छोटा वीडियो होने वाला है इसके साथ। मेरे को तो उम्मीद यही है, फुटरेस्ट के अलावा दो नट होना चाहिए, एक 4 इंची का, एक 3 इंची का। और अक्सर यही देखा गया है कि एक नट 4 इंची वाला नहीं रहता है, 3 इंची वाला नट रहता है, जो कि सारी गाड़ी में आपका लगता है पीछे साइड। वो पीछे साइड वाला नट तो रहेगा ही रहेगा, आगे वाला साइड का नट नहीं रहता है, क्योंकि आपके सारी गाड़ी में लगा रहता है नट। फटाफट इसको खोल लेते हैं। एक नट तो मेरे को दिख गया, ये देख सकते हो आप, ये सामने वाला नहीं है, ये पीछे वाला नट इसमें लगा हुआ है। और सामने वाला देखते हैं इसमें नट है कि नहीं। इसमें नट मुश्किल है, क्योंकि नट होता तो पीछे रैपर में दिख जाता। और इसके पीछे ये देख सकते हो आप, इसमें नट नहीं लगा हुआ है, मतलब नट नहीं दिया गया है। 30 रुपये का और भट्टा बैठेगा मेरा। चलिए गाड़ी के पास चलते हैं फटाफट, और मैं बता दूँ एवेंजर 220 क्रूज़ में लगने वाला है ये जो खड़ी है गाड़ी। और इसमें यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इसमें लेडीज़ फुटरेस्ट नहीं रहता है, और आपको अगर किसी को बैठाने में तकलीफ़ होती है तो इस तरीके का प्रॉब्लम आता है। और अलग से 3 नंबर बोल्ट मेरे को ख़रीदना पड़ गया है। ये 3 इंची वाला तो रहा, ये 4 इंची वाला आपको ख़रीदना पड़ जाएगा, 2 वॉशर और 1 नट, जो कि 30 रुपये का आपको किसी भी ऑटो पार्ट्स की दुकान में मिल जाएगा। चलिए फटाफट इसको लगाते हैं। लगाना बहुत आसान है, इसमें प्लास से लास्ट वाले को टाइट करना है, और इसमें 1 वॉशर डाल के लास्ट पॉइंट में आप इसको टाइट कर दीजिए, बेहतरीन। और ये फुटरेस्ट सिर्फ उसी पैसेंजर फुटरेस्ट भी बोलते हैं, लेडीज़ फुटरेस्ट भी बोलते हैं। चलिए मैं फटाफट इसको लगा लेता हूँ। लगाने के बाद मैं इसमें खड़े होकर दिखाऊँगा कि इसका बिल्ड क्वालिटी कैसा है। और थोड़ा लंबा है, इसको मैं कटवा दूंगा ग्राइंडर से, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको लगाइए, बस आपके चेजिस में नहीं छुआना चाहिए नट, नहीं तो आपके चेजिस में अपने आप ये स्क्रैच करेगा साकअप में जब गाड़ी कूदेगी। तो चलिए फटाफट लगाते हैं। लगाने के बाद आपको सिर्फ मेहनत लगता है वीडियो बनाने पे, आप सिर्फ एक काम कर दीजिए, या तो लाइक कर दीजिए या चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे हम रोज़ डेली शॉर्ट्स तो आता ही आता है, और बीच बीच में हम वीडियो भी डाल देते हैं मॉडिफिकेशन के ऊपर। एवेंजर 220 क्रूज़ और भी बाइक हैं उसके ऊपर। धीरे धीरे लग जाएगा, लगाने का कोई टेंशन नहीं है, आप खुद घर बैठे लगा सकते हो, बस इसको मंगाने का टेंशन है। लिंक डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है, आप वहाँ जाके बाइक कर सकते हो। किसी भी गाड़ी पे ये लग जाएगा, जो कि 3 नंबर बोल्ट आप मार्केट से ले सकते हो, और इसको ऑनलाइन मंगा सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है, वहाँ से जाके मंगाइए और अपने गाड़ी पे लगवाइए, आपकी गाड़ी पे नहीं है तो। चलिए फटाफट अब मैं टाइट कर देता हूँ। अब बोल्ट तो लग गया है सब तरफ, बस इसको टाइट करना बाकी है। क्या है, टाइट करने में थोड़ा भी लगता है, तो मैं सोचा हूँ छोटा से छोटा वीडियो रहे, कम से कम टाइम लूँ आपका। और ये फुटरेस्ट थोड़ा ठीक ठाक है, इसकी बिल्ड क्वालिटी 2-4 दिन में सामने आ जाएगी। क्या होता है कि फुटरेस्ट यार, ये तो कोई भी चढ़ता है इसमें, तो इसमें लोड पड़ता है, सारी गार्ड आपका जो होता है इस तरीके का लोड पड़ता है, तो आपको दिक्कत हो सकती है। बाकी ये फुटरेस्ट मैं देखता हूँ कि ये कंडीशन कैसा है, अच्छा है कि ख़राब है। इसी तरह वीडियो के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। रोजाना 1 शॉर्ट्स तो आते ही आते हैं इस चैनल पे, और वीडियो भी आते ही आते ही हैं। चलिए मैं आप खड़े होकर दिखा दूँगा, मेरा तो टाइट हो गया है, बहुत अच्छे से टाइट हुआ है। मैं इसको खड़े होकर, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है इसकी, जितना आप टाइट हो सके उतना करिए। अगले वीडियो के लिए तैयार रहिए।